तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक लाइफाई प्रोजेक्ट। ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके स्कूल या साइंस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें लाइट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय LTM 365 एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं, साथ ही किसी के साथ शेयर करके कोलैबोरेटिव काम भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको हर तरह के CAD फाइल का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करके डिलीवर करना बहुत ही इजी एंड फास्ट हो जाता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं LTM स्टूडेंट लैब, जिसमें आपको फ्री एक्सेस मिलेगा LTM 365 एंड LTM डिजाइनर का। एंड इट्स अ ग्रेट वे टू बूस्ट यूर स्किल्स एंड यूर रेज्यूमे। जस्ट एंटर यूर यूनिवर्सिटी ईमेल एंड गेट स्टार्ट फॉर फ्री। यू विल गेट एन LTM designer student lines and PCB design course. Second, you will earn certificate that's recognized by top industries in India and free access to power analyzer by Keysight. So design the future with LTM 365 and don't forget to visit LTM 365, link in the video description. तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इस टाइप की स्पीकर की और एक IC की TIP 41C, एक एम्पलीफायर बोर्ड की देख सकते हो कुछ इस टाइप का, और एक कैपेसिटर की, इसकी वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड सोलर पैनल की और एक रेजिस्टेंस की, 1K का है ये, आप देख सकते हो। देन एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी 9V की, और सबसे मेन चीज़ एक ये लेज़र लाइट की। और हम दो बैटरी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे दो सर्किट बनेंगे, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। और आखिर में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑक्स केबल की। फिर इन सभी से हम एक सर्किट बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। सो चलिए फटाफट से इसका सर्किट बना लेते हैं। तो गाइस, हमारा एम्पलीफायर वाला सर्किट बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने स्पीकर लगाया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ फोन से। तो सिंपली सर्किट का स्विच ऑन करने के बाद इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आपने देख लिया, हमने आउटपुट की जगह पे स्पीकर लगाया था। अब उसे हटा के फटाफट से लेजर लाइट लगा देते हैं। तो अब हमारा ट्रांसमीटर सर्किट रेडी हो चुका है, अभी इसे साइड में रखते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे सर्किट की तरफ, जो कि हमारा रिसीवर सर्किट। सो इसका भी सर्किट डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो फटाफट से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला सर्किट भी बनकर रेडी हो चुका है। इसको पावर देने के लिए मैं यहाँ पर 9V की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने दोनों सर्किट को कुछ इस टाइप से कार्डबोर्ड में फिट कर दिया है। तो चलिए गाइस, इन दोनों के स्विच ऑन करते हैं और इसे मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद टेस्ट करते हैं। सो सिंपली गाइस, ऑक्स केबल को आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। देन आप देख पाओगे, आपको इसका फोकस लॉक हमारे सोलर पैनल पे करना है लेज़र लाइट का, फिर ये चलने लग जाएगा, आप देख पाओगे, जो कि हमारा वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र होने लग जाएगा।
सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।